राम केवट की कथा। वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उसके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आग्रह करके वापस भेजा, फिर आप गंगा जी के तट पर आए। रामचंद्र जी ने केवट से नाव मंगवाई, पर वह नाव नहीं लाया। वह कहने लगा, मैं आपका मर्म जानता हूँ। सब लोग कहते हैं कि तुम्हारे चरण कमलों की धूल मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। काठ पत्थर से ज्यादा कठोर थोड़े ही होता है। कहीं मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी तो, मेरी नाव उड़ जाएगी तो मेरी जीविका की राह पर बंद हो जाएगी। मैं तो इस नाव ही से अपने सारे परिवार का पालन करता हूँ और कोई दूसरा धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, जो आप जरूर ही पार जाना चाहते हैं तो मुझे पहले अपने चरण कमल धो लेने की आज्ञा दे दीजिए। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाच उतराई चहा।
हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर ही अपनी नाव पर आपको चढ़ाऊंगा और आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच्ची कहता हूँ। मुझे लक्ष्मण भले ही तीर मारे, पर मैं जब तक पैर न धो लूंगा तब तक तुलसीदास जी कहते हैं, हे नाथ हे दयालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुनि के वट के बैं, सुनि के वट के बैं, प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणा ऐं, बिह से करुणा ऐं, कितै जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लिपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा के घर रामचंद्र जी जानकी और लक्ष्मण की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेही तेरी नावन जाई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कृपा सागर रामचंद्र जी तब मुस्कुरा कर बोले, अच्छा वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, जल्दी पानी लाकर पांव धो और हमको पार उतार दे, देरी हो रही है। जा सुनाम सुमेरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा, राम सिया राम सिया राम। जिनका नाम एक ही बार स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को तीन पग से भी छोटा कर दिया था, वे ही दयालु रामचंद्र जी केवट का निहोरा कर रहे हैं। रामचंद्र जी के चरणों के नखों को देखकर गंगा जी हर्षित हुई, किंतु पहले उनके वचनों को सुनकर उनकी बुद्धि मोह की ओर खींच गई थी। केवट रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। राम सिया राम जय
बड़े आनंद से प्रेम की उमंग में आकर वह चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर उसकी प्रशंसा करने लगे कि इसके बराबर पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारे जल पानी करे चरणों को धोकर और अपने कुटुंब सहित उस चरणोदक को पीकर पहले अपने पितरों को भव सागर के पार कर फिर आनंद पूर्वक रामचंद्र जी को पार ले गए। और लक्ष्मण सहित सीता और रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। केवट ने उतरकर दंडवत की। रामचंद्र जी को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की बात जानने वाली जानकी ने अपनी मणि जड़ी हुई अंगूठी प्रसन्न चित्त से उतारी। कृपालु रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। केवट ने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। विधाता ने आज भली भांति भरपूर मजदूरी मुझे दे दी। अब कछु नाथ दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए।
लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं माथे चढ़ाकर ले लूंगा। बहुत कीन है प्रभु लखन सिया, प्रभु राम लक्ष्मण और सीता ने बहुत आग्रह किया पर केवट ने कुछ न लिया। तब करुणा के धाम रामचंद्र जी ने उसे निर्मल भक्ति का वरदान देकर विदा किया। स्नान करके रामचंद्र जी ने पार्थिव मिट्टी की बनाई हुई शिव मूर्ति की पूजा की और उसे प्रणाम किया। सीता ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता मेरा मनोरथ पूर्ण करना। मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता की प्रेम रस भरी हुई विनती सुनकर गंगा जी ने निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुनो रघुबीर रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो जगत में तुम्हारा प्रभाव किसको नहीं मालूम है। तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े हुए तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमारी बड़ी ने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई यह मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है, तो भी हे देव मैं अपनी वाणी को सफल करने के लिए तुमको आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या में लौटेगी। तुम्हारी मन की सारी कामनाएं सिद्ध होगी और जगत भर में तुम्हारा यश छा जाएगा।